घाघरा थाना क्षेत्र के दोदांग पाका टोली गांव निवासी दो सगे भाई स्कूली छात्र सुमित उराव और सचिन उराव की वज्रपात की चपेट में आने से बुधवार की सुबह मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया गया कि दोनों बच्चे सुबह राज्य के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलागढ़ा जा रहे थे। इसी दरमियान अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों बच्चे एक आम पेड़ के नीचे जाकर बचने लगे, जिसके बाद अचानक वज्रपात हुआ और दोनों गिर पड़े। दूर देख रहे ग्रामीण जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। दोनों बच्चों को स्कूल के अध्यापक रंजीत कुमार सिंह अपने वाहन में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा लाए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सचिन चौथी कक्षा और सुमित तीन कक्षा का छात्र था। इधर घटना के बाद विद्यालय परिवार सहित परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करते हुए दोनों छात्र के शव को पोस्टमार्टम हेतु गुमला भेज दिया है। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीवन भारत। सुबह में ये दोनों बच्चे स्कूल आ रहे थे तैयार होके, सुबह 6:30 बजे लगभग की घटना है। ये दोनों बच्चे तैयार होके स्कूल आ रहे थे, उसी क्रम में हल्का बारिश होने लगा, तो ये लोग स्कूल से 500 मीटर नहीं पहुंचे थे, दूर में ही थे। उसी टाइम हल्का बारिश होने लगी और एक बार जोर से बिजली कड़का, उसी टाइम ये लोग पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए गए और उसी टाइम जोर से ठनका हुआ और उसी में ये दोनों बच्चे चपेट में आ गए। सचिन उराव 5 क्लास का है और सुमित उराव 3 क्लास का है। ये दोनों बच्चे दोदांग पका टोली के हैं। इनके पिता का नाम है काली उराव। क्या नाम है? काली उराव। आपका नाम क्या? मेरा नाम रामदत्ती कुमारी, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय उत्क्रमित महाविद्यालय बेलागढ़। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।